आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे चार विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे ये हमारा आयत हो गया है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है, आयत का विकर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, और हमें परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा 2 गुणे x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 गुणे x प्लस वाई बराबर हमें कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई कितना मिलने वाला है, ये हमें मिलने वाला है 23। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये मिल गई। ठीक है, x प्लस वाई में एक रिलेशन हमें ये मिल गया। अब आगे देखते हैं इसका, अगर हम एक्स वाई इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अगर देखें तो क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है एक्स वाई। ठीक है, मतलब हमें ये निकालना है। अच्छा, हम ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कर्ण क्या है, बी डी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबके मानक देते हैं, ए डी हमारा 17 है तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस ए डी हमारा वाई है, तो ये माफ करिएगा ए डी हमारा एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर और बी ए बी हमारा कितना है वाई, तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 289। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस कर दे रहे हैं 2xy। ठीक है, इधर भी हम क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं 2xy। ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 289 को इधर ले आएंगे तो माइनस 289 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 बच रहा है उससे हम भाग दे देंगे बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई। ठीक है, तो अब एक्स वाई हमारा क्षेत्रफल था, तो यहाँ से हमें एक्स वाई कितना मिलने वाला है, हमें एक्स प्लस वाई हमने निकाल रखा है जो कि 23 है, तो ये आ जाएगा हमारा 23 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 289 बटे 2, तो यहां से अगर हम इसको हल करेंगे तो एक्स वाई बराबर हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर 1, 4 सही उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।